आप भी कर सकते हैं पूरी की पूरी बुक याद। कैसे जानेंगे इस सीरीज में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। मेरे प्यारे दोस्तों, हम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी अप्रोच सीख रहे हैं जिसका नाम है विवेकानंदा सिस्टम। और अगर आप ये सिस्टम सीख लेते हैं तो पूरी की पूरी बुक, पूरा का पूरा सिलेबस इजीली याद किया जा सकता है और जब चाहे तब आप उसे रिकॉल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, इसमें 5S है, 5Q है, 5R है। और 5S में हम पहले S की बात कर रहे हैं और S में भी सेट की बात कर रहे हैं। तो 6 चीजें हैं जो पढ़ने से पहले हमें सेट करनी चाहिए, यानी कि पढ़ने से पहले हमारी जो तैयारी है वो दुरुस्त हो। और जब वो तैयारी दुरुस्त होती है, वो सारी की सारी चीजें पढ़ने के दौरान हमारी मदद करती हैं। तो हम माइंड सेट की बात कर चुके हैं। माइंड को सेट करने की क्या क्या टेक्निक है, ये मैं इससे पहले वाली वीडियो में शेयर कर चुका हूं। हम ब्रेन को सेट कर चुके हैं कि ब्रेन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है जिससे आपका ब्रेन हाई एनर्जी लेवल पे आ गया। अगर ये दोनों वीडियो आपने नहीं देखी है तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दोनों वीडियोस देखिए। ये पूरा जो सिस्टम है, एक वीडियो दूसरे वीडियो से कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है। तो डायरेक्ट कोई वीडियो ना देखे, पूरा का पूरा सीक्वेंस जरूर आप कवर करें, तभी ये सिस्टम आपकी ग्रिप में होगा। और ध्यान रखिएगा, ये मेरा वादा है आपसे, अगर ये सिस्टम आपने सीख लिया, स्टडीज की जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो आज तीसरी चीज को सेट करने की बात करते हैं। माइंड सेट किया हमने, ब्रेन सेट किया, आज हम बात करेंगे बॉडी सेट की, कि जो आपका जो शरीर है और जो पढ़ाई है, क्या इन दोनों के बीच में कोई संबंध, कोई रिश्ता है या नहीं। तो इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या बॉन्डिंग है, ये समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। मेरे नोन में एक बच्चा है जिसके 12th क्लास के एग्जाम थे और स्टार्टिंग से ही मैं देख रहा था कि वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था। पहले साल की शुरुआत में 3 से 4 घंटे पढ़ाई शुरू की उसने, उसके बाद धीरे धीरे वो अपने घंटे बढ़ाता चला गया। और एग्ज़ाम से 1 महीने पहले जब मैं उससे मिला तो उसकी तैयारी जो थी वो दुरुस्त थी, उसको सब कुछ याद था, पूरा का पूरा जो सिलेबस था उसके माइंड में छपा हुआ था। लेकिन एग्जाम से 2 हफ्ते पहले वो बीमार हो गया। और ऐसा बीमार हुआ कि उसका मन तो कर रहा था कि पढ़ाई कर ले, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहे थे, पूरे साल मेहनत की थी और उस मेहनत का रिजल्ट आना बाकी था। लेकिन क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया कि शुरुआत से लेकर अब तक वो पढ़ाई लगातार करते आ रहा था, लगातार अपने घंटे बढ़ाता आ रहा था, लेकिन उससे एक गलती हो गई, उसने अपने शरीर को इग्नोर करना शुरू कर दिया। रात में सोने के घंटे कम कर दिए, पूरे दिन पढ़ता रहता था लेकिन कभी भी उसने अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया। और शरीर को इग्नोर करने से शरीर ने लास्ट टाइम पे, जब उसके एग्जाम आने वाले थे, उसको धोखा दे दिया। अब ना तो वो सिलेबस को याद कर पा रहा था, ना ही रिवाइज कर पा रहा था। और फाइनली जब एग्जाम हुए और उसका रिजल्ट आया, वो एवरेज मार्क्स से पास हुआ। हम सब के साथ यही होता है, पूरे साल हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम के समय पे कई बार स्टूडेंट्स का यही आता है कि मैं बीमार हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। इसका सीधा सा रीज़न है कि आपने पढ़ाई पे ध्यान दिया, आपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वो 8 घंटे पढ़ाई कर रहा था, उसमें से अगर 1 घंटा वो अपने शरीर पे ध्यान दे देता और 7 घंटे पढ़ाई करता, तो एग्जाम में वो टॉप कर सकता था, उस बोर्ड को वो टॉप कर सकता था। इसलिए आप सबसे मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगा, जितने भी आपके घंटे आप डिसाइड करते हैं पढ़ने के लिए, उसमें से अपना 1 घंटा, जो इसका नेक्स्ट वीडियो है उसमें वो 1 घंटा क्यों ज़रूरी है वो उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो चाहे कितने भी घंटे आप पढ़ाई करें, 9, 10, 15, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं आपसे वो 1 घंटा चाहता हूं। वो 1 घंटा आपका माइंड सेट करेगा, आपका ब्रेन सेट करेगा, आपकी बॉडी सेट करेगी। फिलहाल इस वीडियो में समझिए कि आपकी बॉडी का, आपके शरीर का और आपके पढ़ाई का डायरेक्ट संबंध है। काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर सीटिंग नहीं है। वो सीटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी बॉडी में स्टेमिना नहीं है। घंटों पढ़ना तो चाहते हो बैठ के, लेकिन पढ़ोगे कैसे, क्योंकि शरीर में स्टेमिना ही नहीं है। सिर दुखने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है। तो पढ़ाई अगर अच्छी करना चाहते हैं तो अपने शरीर को साथ लेके चलना होगा, अदरवाइज आपका शरीर आपको धोखा दे देगा और जिस एग्जाम के लिए आपने सालों से तैयारी की है आप उसमें अच्छा स्कोर
नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके पढ़ाई का और आपके शरीर का एक गहरा संबंध है, तो ये तीन चीज़ें सेट होनी चाहिए, आपका माइंड भी, आपका ब्रेन भी और आपकी बॉडी भी। और शरीर को सेट करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। अगर आपको तेज़ चलना अच्छा लगता है तेज चलिए, आपको स्विमिंग अच्छी लगती है वो कीजिए, आपको रस्सी कूदना अच्छा लगता है वो कीजिए, आपको डांस अच्छा लगता है वो कीजिए, आपको जिम अच्छा लगता है वो कीजिए, कुछ भी कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, अपने शरीर को ध्यान दीजिए, आपकी बॉडी में आपके शरीर में स्टेमिना हो, और पढ़ने के दौरान आपका शरीर आपका साथ दे, एग्जाम के दौरान आपका शरीर आपका साथ दे। थैंक यू सो मच। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसे ऐसी वीडियो को शेयर। देखिए मैं अपनी ड्यूटी, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, ये पूरी सीरीज़ अपने सारे के सारे सीक्रेट्स आपको देने का, तो क्या आपका एक फ़र्ज नहीं बनता कि आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने व्हाट्सअप पे, अपने स्टेटस पे लगाएं। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स करके, देखिए आपके कमेंट करने में कुछ नहीं लगता, पैसे नहीं लगते, लेकिन जब आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ नीचे, इससे मेरा मनोबल बढ़ जाता है। तो प्लीज़ जितने ज़्यादा हो सके कमेंट्स कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।